बोले उब्दी वोनी उब्दी में योने दन का दनु मैं तो आराम से जान हाँ गल छू। और आरती में तो लियो आई ओके मॉम। और साल भर रखवाली करने वाले होते हैं, मतलब जो कि पूरे घास की रखवाली करते हैं, क्योंकि घास की भी चोरी होती है। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को मेरे प्यार प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रात, आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधमेश्वर घाटी में और अपनी मधमेश्वर घाटी के सुंदर से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज ना आज से हमारे गांव वालों की उपदी शुरू हो गई। उपदी मतलब ये होता है कि साल भर तक, एक साल तक जंगल को बंद रखा जाता है, किसी को भी वहाँ अलाउड नहीं होता है घास काटना, लकड़ी लेना, कुछ भी नहीं होता है। फिर आज से 2-3 दिन की मतलब उपदी बोलते हैं, जिसमें पैसे देकर वो घास लिया जाता है। तो मेरी मम्मी की बहुत तैयार रखते हैं ना। हाँ हेलो दगड़ियों, प्रणाम। और कंचन तुम लोग, हम सब बढ़िया छे। आज हमारी हो उलै उबदी, आज हम जाना उलो थे। साल भर तक बंद रहो कि अब उलै उबदी वोनी उबदी में योने दन कदन मैं तो आराम से जान गल छू। और आरती में तो लियो आई ओके मॉम। और दादा क्या बोलूँ, घर का काम करना, ठीक है ठीक है, मेरे को लेने आना है। ओके मैम। दोस्तों अभी मम्मी भी चली गई है घास काटने के लिए, मतलब जो भी घास होगा उसे काटेंगे और फिर मैं मम्मी को लेने जाऊंगी। और हमारे यहाँ जब लेने जाते हैं ना, तो हर घर से मतलब कोई ना कोई लेने जाता है, कोई तो काटने जाता है। तो मैं भी जाऊँगी, पहले घर के सारे काम निपटा देती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको सभी को बाद में। तो अभी दोस्तों घर के सारे काम तो मेरे निपट चुके हैं, और ना सारे काम घर के बोलते हैं कि हो जाता है जल्दी, पर इन्हीं में पूरा टाइम निकल जाता है। तो लगभग मेरे सारे काम हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं दो शख्स से जो हमारे यहाँ पे आ रखे हैं, मेरे भाई को तो कोई नहीं जानता होगा, और यहाँ पे ये अमन जी, जो भी फेस छुपा रहे दोनों एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, फेस दिखाना नहीं होता है इन्हें। तो थोड़ी देर में मम्मी को लेने चलते हैं फिर। तो डोगो को हमेशा आदत पड़ी हुई है घर से निकल के 11-12 बजे घर आने की, और अभी देखो घर आ चुका है। मैं तो आज एक ही दिन घर रहती हूँ, उसी दिन में इसकी हरकत देखती हूँ। और देखो ए आज तो किसी की नई नई होगी, आज किसी को नहलाया जाएगा, जल्दी आई। तो अभी दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है मम्मी को लेने जाने की, और साथ में पानी और माल्टे भी ले जाऊंगी, क्योंकि अभी सब वहाँ थक गए होंगे, पर सबके लिए सबके घर से आते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि घास काटते काटते सब थक जाते हैं ना। तो मैं थोड़ा बड़ी बोतल ले जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो कोई गया नहीं लेने, मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। तो लोग काफ़ी मांगेंगे पानी, क्योंकि प्यास लग गई, इसमें थोड़ा बड़ी बोतल ले जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं, आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। तो अभी ना सबसे पहले दोस्तों मैं ही जा रही हूँ, क्योंकि एक दीदी और आ रही थी मेरे साथ, पर वो अभी खाना बना रही है, तो मैंने तो सारे काम निपटा दिए। मैं सोची मैं चली जाती हूँ जल्दी जल्दी, मम्मी ने बोला तो जल्दी आना, और आ ही रहे हैं। सबसे पहले मैं ही जा रही हूँ गाँव। तो दोस्तों जो नीचे का जंगल दिख रहा है, वैसे हमारा जंगल ज़्यादा है नहीं, पर नीचे का दिख रहा है, ये तो साल भर में खुला रहता है, पर जो ऊपर की साइड का है ये बंद रहता है। तो यहीं से आज जा रही, मतलब उपदी काट रहे हैं, मतलब घास काट रहे हैं। और दोस्तों ना साल भर रखवाली करने वाले होते हैं, मतलब जो कि पूरे घास की रखवाली करते हैं, क्योंकि घास की भी चोरी होती है। और आप लोग बोलेंगे घास की भी चोरी होती है, पर पहाड़ियों को पता है घास की भी चोरी होती है। तो जो उनकी सुरक्षा करते हैं, इसीलिए आज के दिन थोड़ा बहुत अमाउंट हर कोई जमा करता है, ताकि उनकी रखवाली का उन्हें पैसा मिल जाए, जो कि गाँव के सरपंच का होता है। और जो उनके साथ देख रेख वाले और भी होते हैं, उन्हें भी पैसा मिलता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, साल भर आपका हरा घास आपको पता है आजकल नहीं मिलता है। तो ये रहा हमारा जंगल, मैं जंगल में घूम चुकी हूँ, और अभी देखते हैं कहाँ है मम्मी लोग। मम्मी पर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे काट रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सबकी घास की बांट लग रही है, देख सकते हो लगे वो नहीं ओके। आज यहाँ पे वन पंचायत ओला की उपदी हो रही है हमारे गांव में। हाँ। और सभी महिलाएं अच्छा सहयोग कर रही हैं। हाँ। और आज हमने एक नया नियम निकाला यहाँ पे, कोई महिलाएं जो है कि वृद्ध हैं। हाँ। जो है कि घास नहीं काट पाती हैं। हाँ। इसलिए हमने एक ही कार्य किया है यहाँ पे कि जवान महिलाएं सभी लोग जो है घास इकट्ठा करके एक जगह लाएं, और सबको जो है बराबर भागों में वितरित करके दिया जाए। अच्छा, बहुत ही अच्छी निर्णय लिया गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो सब लगा रखे हैं, सबकी भारी अलग अलग लग रही है।
दोस्तों यहाँ देखो सबकी घास की बाट लग रही है अलग अलग बल बड़ी और कितना निकाली तुम क्या करना बटवाड़ी में साल भर में इस जंगल की यहाँ पे रक्षा की जाती है। हाँ। और ठीक वैसे तो पहले ये था कि नियम की जब दीपावली आती थी उस टाइम यहाँ पे गायों के हरा चारा उनको दिया जाता था, लेकिन इस टाइम परिस्थितियाँ ऐसी रही कि दीपावली के टाइम पे ये कार्य यहाँ पे नहीं हो पाया है। एक कहावत है कि जब दीपावली आती है तो हमारी जो गायें होती हैं घरों में उनको भरपेट भोजन दिया जाता था। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने यह रीति रिवाज यहाँ पे बनाई थी कि इस परंपरा को आप लोग कायम रखेंगे। जब दीपावली लक्ष्मी पूजा और होती थी तो उस टाइम गायों को इस जंगल में खुला छोड़ दिया जाता था, साल भर इस घास को यहाँ पे बचा के रखा जाता था, लेकिन दीपावली के टाइम पे सारे गांव वालों की गायें एक साथ इस चारी नामक तूप में जो है उनको छोड़ा जाता था और पेट भर कर वो जो है भोजन करते थे, हरा चारा लेते थे और शाम को अपने घर। और यह परंपरा हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पे रखी गई थी, उसी परंपरा को चलाते हुए हम लोगों ने यह नियम किया है कि अब गायों को न छोड़कर स्वयं यहाँ से यहाँ इस जंगल में आके महिलाएं स्वयं घास काटेंगी और अपने अपने घरों को जाएंगी और घरों में ही गायों को खिलाएंगे, क्योंकि गायों को अगर यहाँ छोड़ा जाता था तो वो जो हमारे नई पौधे हैं उनको वो नुकसान पहुँचाते थे, इसलिए उस परंपरा को हमने बंद किया। धन्यवाद। तो ये हमारी परंपरा है और यहाँ देख सकते हो सब घास की बाट लग रही है सबकी, ले पानी सब उतर जी तभी दौड़ जानी अब ये मर्जी की देख सकते हो पूरे हमारे गांव की महिलाएं यहां पे सब इधर 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 ये नैवी छीन ये नैवी छीन ये नैवी छीन कुछ बुना छीन है। इस बार हमारे यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन ये हुआ पहले तो सब काटते थे अपने अपने लिए हत्याते थे ऐसे इस बार काट के जगह इकट्ठा हुआ और सबकी फांटी लगाते थे, हल्ला भी खूब हल्ला करने में मैं भी सी पहले अल्लाह इसलिए हुआ कि मैंने कहा सब आएंगे, कोई कोई आराम से बैठा हुआ था कोई लगा हुआ था, इसलिए इस बार अब इसके बाद ये लग रहा कि ठीक होगा, इस बार खराब नहीं, इसके बाद जो आने वाली पीढ़ी उनके लिए हमने सुधार कर दिया और हम ये चाहते हैं इसके बाद भी जो हमारे उन्होंने क्या अतिक्रमण कर रखा वो भी छोड़े और उसमें क्या होगा सबके लिए बराबर हो गया। जब मोदी चाहते हैं हमारा देश विकसित हो, हम ये चाहते हमारा गांव विकसित हो, हमारे पहाड़ों की ये नारे क्या, हम सब काम करती है खेती करती है बाड़ी करती है खाती है, जो पंच लोग आते हैं वो भी हमको डांटते रहते हैं पर हम बुरा नहीं मानते, वो ऐसे बोलते हैं पर क्या करें, वो अपना समय देते हैं हमारा अमूल्य समय देते हैं और हमारे साथ औरतों के साथ रहना बहुत टफ होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं ऐसे करो वो तब भी चुप रहा डांटते हमको, हम तो बुरा नहीं लगता है कि हमें क्यों डांटते क्योंकि हम भी चिल्लाते हैं इसलिए वो अपना समय देते हैं, हमारे घर वाले तो आते नहीं वो आते हैं, हम उनका अपने हृदय से दिल से उनका क्या कहते हैं सम्मान करते हैं वो ऐसा ना सोचे कि हमको नहीं मानते या हम ऐसे ऐसा नहीं क्योंकि आप भी चिल्लाते तो हम चिल्लाते हैं, हमारी गांव की प्रधानी है प्रधानों में लास्ट में हम जलेबी खाते हैं एक दिन घास की जिस दिन घास होता है ना हरा घास उस दिन हमको पंच लोग जलेबी खिलाते हैं। तो ये हमारे जंगल की ना पंचायत हमारे जंगल में पंचायत के जो इस है ना जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होके बाट लगा रहे हैं घास की क्या बना बोला मिलती है हर साल मिलती है हर साल इस साल 2024 में भी ये कटोरी मुझे मिली किस होयो बिल्ले बोला पिछले साल भी ये तो ये बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, इन सबको शोर करने दो और यहाँ देखो साइड पे लगे हुए सब काम करने पे। अब यहाँ पे गांव के सरपंच द्वारा नाम लिया जा रहा है, जिस जिन ने
घास लिया, मतलब फाड़ दिया, मतलब पैसे दिए इस घास के लिए, तो सब सबको मिलेगा इस लगा दिए यहाँ पे, जितनी फाड़ दी गई होगी उतनी यहाँ पे भारी लगा दी गई है, अभी सबको जाएगी करके। प्रसाद त्रिवेदी मम्मी जा तीनों पिएगी, जगह नहीं लग रही है भारी, देख सकते हो गाइस। मम्मी भी दे लगे ना तब फिर आधा बताऊँ। यहाँ पे दो मतलब एक ही मिला है, बट दो लगाएंगे क्योंकि मम्मी के कमर में थोड़ा दर्द भी है, तो थोड़ा मैं ले जाऊँगी जब आई रखी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर रख ले लिया है, मम्मी बोतल पकड़ कर, एक मैंने ले लिया पीठ पे देख सकते हो, और एक मम्मी ले ली है। तो दोस्तों मैं यहाँ चाहिए सब के नाम आ रहे हैं सब, अब घर हमारी बारी तो आ गई और हम घर भी जा रहे हैं। तो मम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा यार। चलो अब सब जा रहे हैं। नहीं मैं दूसरे ऑगमाटा में हूँ। तो दोस्तों पहुँच चुकी हूँ घर फाइनली, भाई मेरी कमर पड़ गई। तो दोस्तों इस बार नया नियम लागू हुआ है पंचायत में इसकी, ऐसे तीन भारी काटने थी दो ही ऐसा था ना कि पहले साल तक ऐसा होता था कि कोई मतलब अपने पास हर कोई अपने पास निकालता था, ऐसे में थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा हो ज़्यादा कम हो जाता था। पर इस बार जो गांव के सरपंच है उन्होंने यह निर्णय लिया कि सब मिलकर जितना भी काटेंगे जमा होगा और सब फिर उसकी बांट की जाएगी। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि कोई बुजुर्ग होता है तो ज़्यादा नहीं काट पाता है। वैसे ये नियम बहुत ही अच्छा है, बस ये है कि कोई काम चोरी ना करे। दूसरे दिन काटे दिन तक माटा में जाना। तो फिलहाल दोस्तों आप खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूंगी, यही होती है उपदी। अब ये दो तीन दिन तक चलेगी, दो दिन तक चलेगी, उसके बाद तीसरे दिन से लोग मतलब कि छोटे छोटे जो सोल्टी कंडी होती है उस पर लाएंगे, क्योंकि तब बसता भी नहीं है उतना। तो यही होता है उपदी। तो आई होप आपने आज के इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, और हमारी पहाड़ की महिलाओं का जीवन क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ कामकाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलूंगी जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।